इसलिए शंकर जी कहते पार्वती फिर भागवत कथा में कौन कौन आते हैं। उदाहरण दिया जैसे भगवान कृष्ण जिस समय बंसी बैठक नीचे खड़े हो गए तो प्रभु बंसुरी बजाई। भगवान की बंसी दो तरह का था, एक तरह का बंसी ध्वनि थी सर्वभूत मनोहर और एक तरह का बंसुरी का आवाज थी गोपीभूत मनोहर। इसका मतलब है कृष्ण कभी कभी ऐसे बंसुरी बजाया करते थे जो कि सारा दुनिया सुन सकते, सारा दुनिया को सुनाई पड़ेगा। लेकिन ये कभी कभी कन्हैया ऐसे बंसुरी बजाते थे जो केवल गोपियों की कहानी पड़े। इसलिए भगवान कृष्ण जब वृंदावन में शरद पूर्णिमा रासों में जब उन्होंने बंसी भट्ट को नीचे खड़े होकर के बंसुरी बजाई वो था गोपी मुद्रा। कृष्ण जिसको बुलाना चाहते थे वही सुनाई पड़े। ब्रज में सबके सब थे लेकिन उनको सखाओं को गाने में नहीं पड़ी, उनको पिता माता की गाने में नहीं पड़ी, लेकिन जब गोपियों को गाने की आवाज में तो वहाँ पर कौन कौन आए, बोले ब्रज की गोपियाँ आए। उसी तरह ये गड़ी में तो बहुत लोग रह रहे हैं, कोई तो अभी बैठ के जैसे भी देखता हूँ, नहीं तो कोई बहुत की बुराई करते होंगे, नहीं तो कोई सांस की बुराई करते होगी, कोई तो बोलते को छोरा ने किया दिया, वो छोरा ने छोरी को ले गया, छोरी ने उसको साथ में भाग गई। देखना दुनिया की बकवास झूठ मूठ का बात बैठ करके वहाँ पर करता था जिसमें बोले तुम भी दूध। लेकिन यहाँ पर कथा हो रही है, यहाँ पर कथा हो रही है लेकिन प्रभु क्योंकि इसमें तो शांति मिलेगी और भगवान जिसको कृपा करते उसको कहते पाप दही की और संगत हुए। शंकर जी कहते प्रभु पार्वती जिसको ऊपर में ठाकुर की कृपा हो वही व्यक्ति भगवत कथा में आ सकते हैं। मानो यहाँ पर कन्या तो बंसुरी बजाएगी लेकिन ये बंसुरी की आवाज किसको किसको कान में पड़ी, आप जितने गोपियाँ आई ना यहाँ पर जितने गोपियाँ आई हो आप लोग की कान में पड़ी। क्यों? कृष्ण आपको बुलाना चाह रहे थे। कौन बुलाना चाह रहे थे? कृष्ण ही तुम्हें यहाँ बुलाना चाह रहे थे तभी ये बंसुरी की आवाज तुम्हारी कान में पड़ी। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती जन्मांतरे भवेत पुण्यम, करोड़ों करोड़ों जन्म का जब पुण्य उदय होती है तभी पार्वती के मन में ये कथा सुनने को तभी मिलती है। एक बार जयकार जोर से बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की, जोर से बोलो बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय जय श्री राधे। इसलिए कहते भागवत में श्री राधा रानी कहती है। देखो आप लोग बोलोगे देखो हम कलयुग का जीव है ना, सबसे पहले फायदा देखते हैं वहाँ जाने पर कुछ नोट पान मिलेगा कि नहीं है, हमारे कुछ लाभ होगा। कलयुग का जीव है हर काम में सबसे पहले देखेगा हमें कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं। इसलिए हम भी देखेंगे भैया यहाँ पर दो दो तीन तीन चार चार घंटा क्यों बैठेंगे, अगर यही समय अगर घर में बैठते अगर कोई काम करता हमें तो भी लाभ होता था। लेकिन फिर यहाँ पर क्यों बैठे, इसलिए यहाँ पर बैठ के कथा सुनेंगे, हमें क्या मिलेगा। इसलिए हर बार बोलता हूँ, इसलिए राधा रानी खुद कहती हैं अगर यहाँ कथा सुनो ना तुमको सात फायदा होगा। कितना फायदा होगा, कितना होगा? आज मैं तो बोलूँगा और कल आपसे सुनूंगा, अगर जो बोल देगा ना उसको मैं इनाम दूंगा। ये कौन कह रहे हैं? ये राधा रानी खुद कह रहे हैं, आप और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राधा रानी खुद कह रहे हैं। कब कह रहे हैं कि बोले जब भगवान कृष्ण रास कर रहे थे, रास करते करते एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, हर गोपियाँ ये देख रही थी कृष्ण को मेरे पास और किसको पास में नहीं। लेकिन राधा रानी देख रही थी कृष्ण हर गोपियों के पास में एक एक रूप में विद्यमान है। अभी राधा रानी की मान हो गई, बोले क्या मैं इस सबके साथ में बराबर हो गई, मेरा नाम ही राधा है। क्या नाम है? राधा मतलब क्या है? जो कृष्ण को विशेष पुरुषों का आराधना करती है, कृष्ण की जो विशेष पुरुषों को जो सेवा करती है वो राधा है। कहती ये क्या मैं सबके साथ में बराबर हो गई, कन्या सब गोपियों के पास में और मेरे पास में, इतने में राधा रानी की हो गई मान। राधा रानी रास त्याग दी। जब राधा रानी रास त्याग दी तब श्याम सुंदर देखा भैया तुम राधा ही चली गई, जो रासे सोरी है
जिनको मैं स्वयं अपना हृदय में धारण करता हूँ और जिनकी सेवा मैं स्वयं करता हूँ। जब यहाँ पर राधा ही चली गई, पर ये रासलीला किसके लिए? इसलिए वहां से श्री श्याम सुंदर विरास को परित्याग किए। परित्याग करते हुए इतने में गोपियों ने जब गोपी गीत को गाए, कृष्ण हमें मिलेंगे कैसे? गोपी गीत को गाते गाते श्री राधा रानी कहती है, ये क्या कह रही है, अगर मेरे भाग्य विहार की कोई कथा सुनेगा, अगर ये भागवत कथा कोई सुनेगा तो उसका कितना फायदा है? उसका सात फायदा होगा। ठीक है, क्या कह रही है? बोले तब कथा मृता गांव में कहीं रुक सकता, बोला हाँ ये भगवान के मंदिर पर रुक जा। लेकिन वहाँ नियम था,
पहले तो टीवी नहीं होता था, इंटरनेट नहीं, स्मार्टफोन नहीं, इसलिए गांव के लोग क्या करते थे, शाम को सबके सब मंदिर में जाते थे और बैठ कर क्या करते थे, ढोलकी मजीरा लेकर के भगवान की नाम कीर्तन करते थे। गाँव में यही होता था, बोले भैया रुक सकता, बोले इस मंदिर में रुको, अभी वहाँ पर रुकने के लिए गया। लेकिन गांव का नियम है सारे लोग वहाँ पर शाम को आ गए, बैठ कर के वहाँ पर तो बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय भोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमैया हरि गोविंद जय जय राधा रमैया सब कीर्तन करना शुरू कर दिया। वो बेचारा था दिन भर काम करते थे, थक गया था, सोने चाह रहा था, जब कीर्तन शुरू कर दिया लेकिन उसको मजबूरी में हाथ में ताली बजाते हुए थोड़ा कीर्तन करना पड़ा, सब कीर्तन कर रहे थे। वो सोच रहा था कि टाइम पास कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाले नहीं, ठीक है टाइम पास करो। फिर देखा एक संत भगवान की बड़ी प्यारी प्यारी कथा सुनना शुरू सुनाना शुरू कर दिया। बोले ये कहाँ से आप बताओगे, ये तो सुने नहीं थे, लेकिन उन्होंने कथा भी सुनाया, कीर्तन कथा समझ एक घंटा उसने कीर्तन कथा में बिताया। जब वो चले गए बोले भैया जान हाँ जान छूटा, अभी उसने चैन से सोया। कुछ दिन बाद में उसको मृत्यु हुई, मृत्यु हुई तो उसको जमदूत पकड़ कर लिए गए और चित्रगुप्त को जब बोले इसका काफी बोलो कितने पाप और कितने पुण्य किया। चित्रगुप्त ने कहा प्रभु इसका कोई पुण्य नहीं, सब पाप ही है, क्योंकि वो झूठ मूठ करके पैसा कमाता था और इसका कोई पुण्य नहीं पाप, और देखो तो सही थोड़ा तो होगा। बोले हाँ, किसी गांव में वो फेरी का काम करते करते गया था और जो मंदिर में रुकने चाहा उसी समय गांव के लोग हरि कीर्तन हो हरि चर्चा प्रभु की कथा उसने एक घंटा बिताया, लेकिन भक्ति से नहीं किया। वो सोचा कि तो बेकार अपना टाइम पास करना है, मजबूरी में जैसे सुना उसने भक्ति श्रद्धा से नहीं सुना। तब जब महाराज ने कहा देखो अगर तू भक्ति श्रद्धा से कथा सुनता ना इसका कोई विशेष फल होता, लेकिन तुमने अश्रद्धा से कथा सुनी इसलिए तेरे को एक घंटा स्वर्ग मिलेगा। केवल बताओ नर्क जाओगे ना पहले स्वर्ग जाओगे। उसने कहा मैंने सुना भैया स्वर्ग तो बहुत बढ़िया स्थान है, मेरे को एक घंटा स्वर्ग घुमा दो फिर नर्क तो जाऊँगा ही। बोले भैया उसको ले जा, एक घंटा स्वर्ग घुमा करके वापस ले आना। उसको ले गए और वहाँ दरबार को बोले देखो ये हमारा आश्रम है, इसको एक घंटा बाद में वापस देना। जब उसने स्वर्ग में पहुँचा वहाँ रंभा और बस मैंने कहा कितने सुंदर सुंदर स्त्रियाँ सबके सब अमृत पी रहे हैं, पारिजात पुष्प जैसे हमारी घर मकान वहाँ पर तो सोने चांदी से बनी हुई, कोई लाइट नहीं, एक मणि रख लेते हैं उसका आलोक में सब आलोक ही तो हो रहा था। उसने उसको पता एक घंटा बाद में नरक ले जाएंगे। बोले भैया एक घंटा तो घूम लेता हूँ स्वर्ग में, एक क्या चीज देखा एक ही कोने में कोई जा ही नहीं रही। बोले भैया इधर कोई जा नहीं रहे क्यों, उधर जाकर देखा एक कोने में भगवान वामन देव है और वहाँ पर स्वर्ग में कुछ सात्विक संपन्न लोग है, वहाँ पर चतुसन बैठ करके यही भागवत कथा हो रही थी, वहाँ हरि कीर्तन हो रही थी। उसको याद आया अरे ये चित्रगुप्त तो बोल रहा था मैंने कहीं एक घंटा कथा सुना था और प्रभु का कीर्तन सुना था तो मेरे को एक घंटा स्वर्ग मिला और यहाँ भी देख रहा हूँ कीर्तन और हरि कथा हो रही है, अगर एक घंटा यहाँ बैठ जाऊँगा ना मेरे को दो घंटा हो जाएगा। उसने क्या किया स्वर्ग भोगा ही नहीं और उसने वहीं पर बैठ गया। बोले देखता हूँ क्या होता है। वो भी हरि बोल करने लग गए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, वो भी प्रभु का भजन में डूब गया कीर्तन की कथा में, लेकिन उसको पता है एक घंटा बाद में नर्क जाना पड़ेगा। लेकिन उसने देखा एक घंटा बीत गया उसको कोई लेने के लिए नहीं आ रहे। बोले क्यों लेने के लिए नहीं आ रही, जो उसको ले गए थे जमदूत चौकीदार को बोले भैया ढूंढ करके लाओ एक घंटा हो गया, लेकिन वो जब ढूंढते ढूंढते गए
देखा वो तो बैठा हुआ ठाकुर जी की कथा में, हरि कीर्तन में बैठा हुआ। देखो ध्यान देखो सुनो, जो व्यक्ति प्रभु का कथा में बैठा है, भगवान की कीर्तन में बैठे हो, अब तो पता हो कहाँ बैठे हो, बात के बिहारी की गोद में बैठे हो। ये भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, ना अहम बसामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय नच। कृष्ण स्वयं कहते हैं, नारद जी पूछा प्रभु आप कहाँ रहते हो, बोले मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं जोगियों का हृदय में नहीं। बोले कहाँ रहते हो, बल्कि बोले एक जगह पर मेरे को पाओगे जहाँ पर मेरे भक्त मेरी कथा कर रहे हैं, मेरी कीर्तन कर रहे हैं, मैं वहीं बैठता हूँ। इसलिए आप लोग कोई कथा में नहीं, कहाँ बैठे हो, ठाकुर जी की गोद में बैठो। देखो कितनी शक्ति, वो गए लेकिन वापस आ गए। बोले क्यों, बोले ये भगवान की गोद में बैठा हुआ है, कथा नहीं, ठाकुर की गोद में बैठे वो। भैया ठाकुर का गोद सम छीन करके नहीं ला सकते, वो वापस आ गए। बोले देखो उसने एक घंटा कथा सुनी थी ना, बोले हाँ, बोले तू तो स्वर्ग भोगाई नहीं, तो कथा में सीधा बैठा हुआ। और जो कथा सुनते हैं ना, हम उनको नहीं ला पाते, उनको हम वापस नहीं ला सकते, भैया हम नहीं ला सकते। बोले भैया ये तो बड़ा चालाक निकला, ये तो सीधा कथा में बैठ गया। उसने जब देखा एक घंटा के बाद में कोई लेने आ ही नहीं रहा है, वो खड़ा क्या होगा, और भी जम करके बैठ गया। बोले यहाँ से उठना ही नहीं, क्योंकि यहाँ से उठते ही तो नरक ले जाएगी, हमें नरक ले जाएगी, यहाँ से उठना नहीं, जम करके बैठ गया वहां पर। और जो जम दूध दो घंटे तक मिलता जा रही है, चार घंटे तक, दस घंटा तक, और लास्ट में उनको वापस आना पड़ा जब महाराज के पास में। और उसने भगवान की कथा सुनते 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 उसका हृदय निर्मल हो गया, वहीं से वैकुंठ से रथ आया, और रथ में बैठ करके सीधा उसने वैकुंठ विजय किया। देखो अनजान में भी अगर कोई हरि कीर्तन कथा में बैठ गए, तुम्हें पता ही नहीं ये कथा बताओ होता है क्या, बैठ गए, उसकी इतने फल है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परिधी किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मनि। अगर कोई श्रद्धा पूर्वक ये कथा सुनेगा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हम बता ही नहीं सकते हैं, जो भक्ति श्रद्धा पूर्वक कथा सुनेगी उसको कितने महिमा है, कितने महिमा ये कथा की। इसलिए कहते कथा सुनने का जो पहला फल है अमरत्व को प्राप्ति करेगी। हर साल में कथा सुनाता हूँ ना, इसलिए भागवत का एक नाम अमर कथा। क्या नाम है कथा का, क्या नाम है, क्यों शंकर जी पार्वती को ये अमर कथा अमरनाथ में सुनाए थे। अमरनाथ कोई गए हो, कौन कौन अमरनाथ गए, एक माता जी गए, और अमरनाथ कौन गए, और दूसरी माता जी कही गए। देखो अभी भी वो स्थान है जहाँ पर श्री भोले बाबा माता पार्वती को बैठा करके ये अमर कथा सुनाए थे, अभी भी वो स्थान है। इसलिए शंकर जी ये बात को स्वयं पार्वती को कहते, बोले पार्वती मैंने ये भागवत कथा सुन करके अमरत्व तो मैंने प्राप्त की। माँ पार्वती कहती प्रभु आप मेरे को भी सुना दो, आप तो अमर बने, अब मैं मरते जा रही हूँ, मरते मरते मैं जा रही हूँ, इसलिए मेरे को भी अमर कथा सुना दो, फिर मैं भी अमर बनूंगी, आप भी अमर बनोगे, फिर तो दिन रात प्रभु की कथा सुनते रहे, भगवान की कथा सुनते रहेंगे। इसलिए देखो ये कथा के कितने महत्व है, शंकर जी स्वयं कहते हैं ये कथा सुनकर के मैं भी अमर बना, और ये कथा सुन के माँ पार्वती भी अमरत्व की प्राप्त की। इसलिए ये भागवत का एक कथा श्री अमर कथा है। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की। यहाँ के भक्तों को जोर से जयकार नहीं देते, देखो इसको बाद ना बढ़िया प्रसाद की व्यवस्था है, जितने जोर से जयकार दोगे, जितने जोर से हाँ जयकार दोगे और कीर्तन भजन गाएंगे करोगे ना, उतना भूख लगेगा, फिर प्रसाद में तभी आनंद आता है जितने भूख लगे, है ना। इसलिए अभी प्रभु जी आपको एक सुंदर भजन सुनाएंगे, और आप लोग तो गरीबवासी हो और गुजरी है सबके सब, गुजरी है ना, अभी एक आली गाँव से आए हैं वहाँ भी सबके सब गुजरी थी, है यहाँ आप भी गुजरी हैं। गुजरी मतलब क्या, कितना गुजरिया को लोग गुजरिया तेरे घर में आए हैं, कृष्ण गुजर है और उनकी सब गोपियाँ गुजरी है, इसलिए अब लोग गुजरी हो,
इसलिए प्रभु जी एक सुंदर भजन गाएंगे और सबके सब खूब नृत्य कीर्तन करना, क्योंकि भगवान का भजन में नाच लोगे ना पर दुनिया में कहीं नाचने का जरूरत नहीं, इसको सामने नाचने का जरूरत नहीं, नहीं तो खसम को सामने नाचोगे, नहीं तो पत्नी को सामने, नहीं तो सास को सामने, नहीं तो ननद को सामने, नहीं तो सबको सब, फिर तो 84 लाख के जन्म में नाचेंगे, लेकिन ठाकुर का भजन में कोई नाचेगा ना फिर कहीं भी उसे नाचने का जरूरत नहीं। देखो इधर सुनो, कुछ 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 लोगों का कहना है अरे सब 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 नाच रहे हैं सबके सब, कभी कभी लोग उल्टा पुल्टा बात करते हैं अगर कोई नृत्य करे। देखो आप देखना जब शादी होती है ना मेन रोड में दारू पी पी करके उल्टा पुल्टा गंदी फिल्म को ऊपर नाचते हैं, मतलब वो नाचने का कोई महत्व है, वो तो सीधा कर गई है। मीरा क्या कर देती है, कितना मीरा घुंघरू बांध मीरा नाची रही, मीरा नाच रही थी ना कृष्ण कीर्तन में जब भगवान गोपियों के साथ रास कर रहे थे, गोपियाँ की क्या कर रहे थे, नाच रहे थे ना। यहाँ कहीं चैतन्य महाप्रभु का फटा होगा, देखना महाप्रभु दोनों हाथ उठा करके नाच रहे हैं। देखो एक व्यक्ति सुख में नाचता है ना दुख में नाचता है, दुख में कोई नाचती है नहीं, सुख में नाचते हैं। तभी कोई व्यक्ति नृत्य करता है जब हृदय में आनंद इतने उमड़े, हृदय में आनंद इतने उमड़े, जब वो आनंद को अंदर में नहीं रख पाता है ना तभी कोई नृत्य करता है, हैं? तभी तो गोपियाँ कृष्ण के साथ में नृत्य की ना, तभी तो घुंघरू बांध में मीरा नाची रे, तभी तो कृष्ण प्रेम में नाचती। इसलिए नाचना एक भक्ति की अंग है, भक्ति की अंग है। इसलिए पद्म पुराण में बताया जो प्रभु का कीर्तन में नृत्य करता है बोले तो इसी जीवन में ऐश्वर्य, उसको परम ऐश्वर्य शांति सुख मिलती है और उसको बाद में तो उसको आनंद ही आनंद प्रभु की धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए बड़े भाग्य से कोई प्रभु का भजन में नृत्य करते हैं, प्रभु जी का भजन सुनाएंगे आपको। बोलो वृंदावन विहार हरि नाम की जय, जय जय श्री राधे। कि ब्रज 84 कोस में चार गांव वृंदावन और मधुपुरी नंदगांव कि वृंदावन कि ब्रज समुद्र मथुरा गमन ब्रज समुद्र मथुरा गमन वृंदावन मकर ब्रज बनिता सब दोस्त है मधुबन की ब्रज बनिता सब दोस्त है मधुबन तो आइए वृंदावन कौन कौन जाएंगे हाथ उठा के बताएं कौन कौन जाएंगे वृंदावन सब लोग जाएंगे अरे ये सब गड़ी के लोग बहुत दूर से ही ना ये तो वृंदावन जाएंगे और कहाँ जाएंगे ये तो वृंदावन में ही है आइए सब लोग वृंदावन कैसे जाते हैं वृंदावन नाचते कूदते बह जाते हैं अच्छा गिरिराज जी कौन कौन गए हाँ यहाँ सब गिरिराज गिरिराज बाबा मोहन बाबा गिरिराज जी गए हैं ना सब लोग हाँ तो वहाँ देखिए कैसे नृत्य करते भय नाचते भय गाते भय परिक्रमा लगाते तो आइए सब लोग वृंदावन चलते हरि वृंदावन काम्य Yeah.
क्या होता है, बोले बाप को जीवन जो है सफल हो जाता है। तो जो है पीछे जो लोग बैठे हैं शादी उनकी सेवा कम से कम करें, यहाँ जब आ रहे हैं तो यहाँ का उसको रहने के लिए तो जगह चाहिए, तो बोले ऐसा है जो कीर्तन में ताली बजाते हैं उनका पाप निकल कर उनके साथ में बैठ जाता है, जो ताली नहीं बजाते तो क्या आप लोग पाप को बैठना चाहेंगे? आप नहीं चाहेंगे ना, तो कोई बात नहीं, ताली तो बजाएगा कम से कम, नहीं तो पाप बैठेगा उसके सर पर, इसलिए ताली बजा कर गाएंगे समय को। वृंदावन जाने के लिए कहा तो सभी लोगों ने हाथ उठाया, लेकिन नाचते समय यह तो बोलने आ गए, इसके मतलब उनका नहीं है सर। एक बार सभी लोग खड़े हो जाए क्या को सीधा कर ले, राधे 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 राधे।
रखना है भाई ऊपर ऊपर हाथ उठाकर क्या बोलना है क्या बोल रहा है सभी लोग एक बार हाथ उठाएंगे ऊपर हाथ उठाकर क्या बोलना है जोर से देखो थोड़ी सी आवाज बढ़ेगी तो मुझे पता है कि और बढ़ेगी एक बार जोर से बोले क्या बोल रहा है पहले तो बिल्कुल धीमी थी फिर थोड़ी जोर फिर बिल्कुल खुल गया पहले ही लगा दो तो मुझे बोलना नहीं पड़ता तीन बार तो आइए सभी लोग प्रेम से हाथ उठाकर बोलेंगे पानी बजा ले जिनके पास है हाथ वो है नहीं है तो कोई बात नहीं पीछे देखो पीछे हाथ नहीं है सभी लोग एक बार हाथ लगाने बोलेंगे प्रेम से प्यार से सच्चिदानंद रूपाय विश्व प्रत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः बोलो हरे कृष्ण सब बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 यदि ये दो ग्रंथ में आती है एक पद्म पुराण और एक स्कंद पुराण यदि पद्म पुराण में जो कथा आती है एक कथा आती है ज्ञान भैरव की कथा और यदि गोकर्ण धुंधुधारी की कथा दो कथा आती है यदि जो ज्ञान वैराग्य ये वृंदावन में आकर के ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए लेकिन इनके जो माँ थी भक्ति देवी ये वृंदावन में आकर के जवानी बन गई बोले क्यों बोले जो वृंदावन धाम है
वो राधा रानी के हृदय, राधा रानी अपना हृदय को कृष्ण सेवा के लिए उन्हें ये वृंदावन धाम बनाया। इसलिए वृंदावन कहते भक्ति नृत्य की जगह, जहाँ पर भक्ति नाचती रहती है, क्यों भगवान का धाम श्री वृंदावन धाम। लेकिन जो ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, बोले क्यों, बोले वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को कोई पूछते नहीं, कोई ज्ञान वैराग्य को नहीं पूछते हैं, वहाँ तो प्रेम का राज्य है, वहाँ पर तो प्रेम भूमि है। और जो वैराग्य है ये भी सुस्त है, ज्ञान भी सुस्त है, इसलिए एक न ज्ञान बजाय गुरु की बात है, प्रेम की बोल। इसलिए वृंदावन में इनको कोई नहीं पूछते, ज्ञान वैराग्य बुरे हो गए। एक दिन श्री नारद जी सर्वत्र भ्रमण किया, लेकिन उनको मन को शांति नहीं मिली। बोले भैया एक बार वृंदावन चलते हैं। जब वृंदावन में श्री यमुना किनारा में आए, देखा एक बड़ी सुंदर एक स्त्री बैठी युवती, बगल में दो बेटे ज्ञान वैराग्य लेट हो गए, एकदम बूढ़े हो गए। नारद जी वहां पर गए, देखा वहां तो रोना धोना है। इतने में नारद जब जा रहे थे, इतने में भक्ति देवी खुद कहते हैं, बोले भव साधु मत अविनाश। बोले हे नारद जी कहाँ जा रहे हो, बड़े भाग्य से कहीं सत्पुरुष का दर्शन हो गया। अगर जीवन में संतों की शुद्ध संत के दर्शन हो जाए, क्या समझो हमारी बड़ा पार है, और हमें संसार की बंधन में आना नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी को पास में जाने का समय हो रही है। हरे कृष्णा, हाँ इधर सुनो पापा, ध्यान में कर, एक बात ध्यान में कर सुनो, अगर हमें कथा सुनना है ना, एक ध्यान दो, आप कभी भी अपना जो परिचित व्यक्ति को पास में मत बैठा करो, इधर सुना ध्यान दया करके। अगर आप कथा सुनना चाहते हो, आप जिसको जानते हो ना, उनको पास में मत बैठना, उससे अलग हो जाए। देखो हम तो संसार में दुनिया की बात करते हैं, अगर कथा में आकर तो फिर दुनिया की बात किया तो लाभ हो, ठीक है ना, कथा की पूरी लाभ होगी। जो जितने अच्छे तरह से कथा सुनोगे, आप स्वयं के बोले 7 दिन में जो मांगोगे खाओगे, जो मांगोगे जो इच्छा करोगे, जो दुखी उसको सुख मिले, जिसकी संतान नहीं उसको संतान की प्राप्ति हुई, जो निर्धन उसे धन देगी, आप जो कुछ मांगोगे साथ में घटना सब इच्छा भगवत पूरी नहीं देगी। लेकिन अगर कथा अगर ध्यान से सुना देता देखो श्रोता दो तरह के हैं, कितने तरह के ध्यान देने से श्रोता दो तरह के हैं। कल मैं पूछूंगा देखो अगर कौन बोल पाता है, श्रोता दो तरह के हैं, एक तो अच्छे श्रोता और एक बुरा श्रोता है। कहते जो अच्छे श्रोता 4 तरह के हैं, कितने तरह के, 4 तरह के हैं। पहला नंबर है हंस, भैया ये को ज्यादा बोलने की तो थोड़ी सी कम है। पहला नंबर है हंस, अगर हंसों को अगर दूध दोगे ना, देखना वो दूध दूध को तो पी लेगा और पानी पानी को छोड़ देगा। इसलिए हमें हंस जैसे श्रोता हो, मतलब बुरी चीज को छोड़ो और अच्छी चीज को लो। दूसरा नंबर है मक्खी, देखो एक मक्खी और एक मधुमक्खी, दो तरह के, एक मक्खी और एक मधुमक्खी। बोले मधुमक्खी कहाँ बैठता है, बोले फूलों में, वहां से शहद को लेकर के एक बड़ी सुंदर छटा बना देती जो ठाकुर के सेवा में लगती है। और मक्खी कहाँ बैठता है, बोले गंदी चीज में मक्खी बैठती है, हैं? इसलिए हमें मक्खी नहीं बनना, हमें क्या बनना है, मधुमक्खी। अब कांटा वृक्ष में भी अगर फूल हो, वो मधुमक्खी वहां भी बैठ करके शहद शहद ले लेगा, सब छोड़ देता है। इसलिए हमें हर जगह से अच्छी अच्छी चीजें ग्रहण करो। तीसरा नंबर बताए तोता। ये तोता की एक विशेष गुण है, वो किसी कच्चा फल में कभी चोंच नहीं मारेगा, वो पक्के फल में ही चोंच मारेगा। इसका मतलब है गंदी चीज में हमें मुंह नहीं मारनी चाहिए, अच्छी चीज में ठाकुर जी की पत्नी में ही अपना मुंह मार, हर जगह पर मुंह नहीं मारनी चाहिए। चौथा नंबर है चातक,
चातक एक चिड़िया, वो किसी नदी का पानी नहीं तो किसी तालाब का पानी पिएगा नहीं, वो कौन सा पानी पिएगा? जब बारिश ही हो वो स्वाधी नक्षत्र का पानी पीता है। हर समय वो बोलता है प्यासा हम प्यासा हम प्यासा हम, मेरे को पानी 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 बोलकर चिल्लाते रहता है। इसलिए हमें क्या बननी चाहिए? हमें चातक बननी चाहिए। जो पंचवा नंबर है मछली, मछली देखो, अब देखना मछली को, उसका जो आंखों का जो पलक है ना कभी झपकती नहीं, उसकी आंखों का पलक एकदम खुली हुई रहती है। कथा कैसे सुननी चाहिए? जैसे एक शब्द हमारे बीच नहीं चलिए, हर कथा को आंख फाड़ फाड़ करती है, मतलब एक मन से कथा सुनना, एक मन से हमें कथा सुननी चाहिए। कभी ये पांच तरह के अच्छे श्रोता हैं, कभी चार ही तरह के गंदे श्रोता हैं। पहला नंबर है भुरुंडू, एक चिड़िया रहता है हिमालय पर्वत के ऊपर में, उसका एक स्वभाव है, आप इसको जैसे सुनाओ ना वो ठीक दो बार अब से सुना देंगे, लेकिन अपना जीवन में एक अक्षर उतारेंगे, सुनेगा सुना भी देगा लेकिन करते समय वो उल्टा ही करेगा, एकदम जीवन में कोई अक्षर नहीं उतारेंगे। यदि ये पहला नंबर। दूसरा नंबर ऊँट, आप लोगों ने ऊँट देखे हो? कौन कौन ऊँट देखे? सबके सब ऊँट देखे हैं। आप देखना ऊँट को कोई सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे कोई पत्ते पर कोमल को नहीं खाएगा, वो ढूंढेगा भैया बबलू का पेड़ कहाँ पर है, कांटा के वृक्ष कहाँ पर है, वो कांटा ही वृक्ष खाएगा। मतलब है जो भगवान की प्यारी प्यारी मीठी मीठी कथा में जिसको रुचि नहीं, जिसको रुचि दुनिया की उल्टा पुल्टा कहीं दूसरे की चुगली निंदा हो रही ना वहीं पर कान लगा कर सुनिए, हैं इसलिए कहते हैं ऊँट है। तीसरा नंबर है भेड़िया, एक छोटा जाति का बाघ होता है। जब कोई हिरण, ध्यान देकर समझ लो, जब कोई हिरण सुलीली शब्द सुनकर के उसमें मुग्ध हो जाता है, उसी समय में वो उसको अटैक करेगा, उसी समय आक्रमण करेगा। इसका मतलब क्या? कुछ ऐसे भक्त लोग जो एक मन से सुनना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो पास में बैठे हुए रहते हैं उसको सुनने नहीं देते। मैं तेरी बहू क्या कर रही थी, बोले इसकी छोरी की कथा सुनी हो, उसको देखना वो कथा खुद सुनेगा नहीं और जो पास में बैठा उसको भी सुनने नहीं देगा, कहते वो भेड़िया है, हैं। और जो पंचवा नंबर है बैल, बैल को आप घास दो अंगूर दो चीकू दो केले दो वो उसमें कोई फर्क नहीं समझता है, दोनों को बराबर मानता है। मतलब है जो भगवान की कथा हो नहीं तो दुनिया की कथा हो जिसको बराबर मानते नहीं, ठाकुर जी की कथा के साथ में ये दुनिया की कथा के भी हम बराबर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए श्रोता और तीन तरह का, कितने तरह के? मतलब तीन तरह के, ध्यान रखकर सुनो, एक है श्रोता, एक है श्रोता और एक है श्रोता। श्रोता मतलब क्या? जब आकर के बैठेगा ना देख देख कर बैठेगा, कहाँ बैठने पर बढ़िया नींद आएगी, वो देख देख कर बैठेगा जहाँ बैठने पर बढ़िया नींद आए, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करे, इसलिए इनको कहते हैं श्रोता। दूसरा नंबर है श्रोता, श्रोता मतलब होता है कितना सुपारी काटते हैं ना इतने हैं, जैसे वो काटता रहता है, उसी तरह कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी कथा से कोई मतलब नहीं है, वो केवल दोष ढूंढने के लिए आते हैं, है केवल अरे नवग्रह की पूजा की नहीं, यहाँ तो तोता लगाए नहीं, ये आम का पेड़ कहाँ है, ये तो आम का, जिनके भक्ति से कोई मतलब नहीं वो केवल दोष ढूंढने आते हैं। और तीसरा नंबर है श्रोता, जो वास्तव रूप में हंस जैसे पानी पानी को छोड़े और दूध दूध को ग्रहण करें। अगर जीवन में अगर ऐसे कोई बन जाएगा जीवन कल्याण हो जाएगा। और देखो और तीन तरह के, ध्यान देखिए सुनो, और तीन तरह के देखो, एक समय एक व्यक्ति ने किसी दुकान में गया मूर्ति खरीदने करने के लिए, देखा वहाँ तीन मूर्ति रखा हुआ, बोले भैया इसका कीमत क्या है? बोले पहला नंबर जो मूर्ति इसका कीमत 100 रुपया, बोले दूसरे नंबर बोले इसका 500 रुपया, बोले तीसरा नंबर बोले 5000, बोले क्यों? ये तीनों मूर्ति तो बराबर है, पर इसमें इतने फर्क क्यों?
बोले तीन गिलास दूध लाओ उसमें फर्क दिया था, जिसका कीमत था 100 रुपया, जब उसको कानों में दूध डाला वो जिधर डाला उधर निकल गया था। बोले इसका कीमत 100 रुपया, मतलब इधर तो सुनता है लेकिन उधर निकाल कर भी चले जाते। बस कथा यही रखते थे। दूसरा नंबर एक कान में डाला तो दूसरे नंबर में दूसरे कानों से निकल गया। बोले तो कथा सुनते हैं लेकिन इधर सुनकर इधर निकाल देते, इसलिए इसका कीमत 5 रुपया। और जो तीसरा नंबर मूर्ति दूध डाला ना, एक बूंद भी निकला नहीं अंदर को चला गया। बोले इसका कीमत है 5000 रुपया। वो जो कुछ सुनता है वो निकलने नहीं देता, अंदर में ले लेता। इसलिए हमें बताओ कितने रुपया की श्रोता बननी चाहिए? 5000। अरे गढ़ी गांव तो बहुत अच्छे हैं, इसका नाम ही गढ़ी, किसी की गढ़ी, बोले भक्तों का गढ़ी, ठाकुर की प्रेम की गढ़ी, पर है भक्त की भक्तों का प्रेम की गढ़ है ये, इसका नाम गढ़ी है। इसलिए हम लोग तो गुजरी हो, बड़े भाग्य से कई कृष्ण गुजर हैं, इतना गुजरिया कौल किवरिया तेरे घर में आया हूँ। और प्रभु जी बढ़िया ठीक गुजर का भी सुनाएंगे भजन, रोज रोज एक भजन सुनाए। भजन का नाम क्या प्रभु जी? तो क्या गाड़ा मेरा समझ। इसलिए प्रभु जी एक भजन को बड़े बड़े सुंदर भजन अभी आलिगांव में सुना करके आ रहे हैं, अभी सुनाएंगे हैं। इसलिए हमें अच्छे श्रोता बननी चाहिए, ठीक है ना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। इसलिए ये ज्ञान वैराग्य वृंदावन में पूरे हो गए। बोले क्यों? बोले ज्ञान वैराग्य को पूछने वाले कोई नहीं थे। तब बोले नारद जी, बोले कोई चिंता मत करो, तुम्हारी दोनों बच्चों को हम जवानी दिला देंगे। बोले अगर तुम मेरे बच्चों को जवानी दिला दो ना, मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ तेरे हृदय छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। इसलिए नारद जी उनको कानों में वेद पुराण उपनिषद एक एक करके बोले, लेकिन उनकी जवानी नहीं मिली। जहाँ भी पूछे सही सही कोई उत्तर नहीं दे पाए। फिर उन्हें भ्रमण करते करते सब भी चतुसन से मिले। बोले कोई चिंता मत करो, भागवत कथा से तुम्हें ज्ञान मिलेगा। बोले कथा कहाँ करेंगे? बोले ये कथा होगी हरिद्वार। जब पता चला हरिद्वार में चतुसन कथा करेंगे, देखो कौन कौन कथा सुनने आए। स्वर्ग से देवता लोग भी कथा सुनने आए, जन मोहल लोग से जितने ऋषि मुनि पराशर वशिष्ठ व्यास बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कथा सुनने के लिए आए, जितने गंगा यमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु सागरी वो भी मूर्तिमान रूप में आए, जितने अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंत्या द्वारावती ये भी मूर्ति रूप में आए, और जो नहीं आए अगस्त जी घर घर में गए। बोले सुने हो, चतुस्सन यहाँ कथा कर रहे हैं, बड़े भाग्य से कई कथा सुनने को मिलते, चलो सबके सब कथा सुनने के लिए चलो। इसका मतलब है जब वहाँ कथा हो रही थी कोई एक व्यक्ति बाकी नहीं रह गया जो कथा में नहीं आए। इतने में ज्ञान वैराग्य को भक्ति भी लेकर के कथा सुनने के लिए आए। जब श्री चतुस्सन ने ये भागवत कथा सुनाए, ए पानी देने वाले, जब कथा बीच में हो ना पानी, जब कीर्तन हो तभी पानी पी लेना, ठीक है ना। कीर्तन को बीच में पानी नहीं देना और पानी कोई देना भी नहीं, याद करके देखो, पानी कोई देना नहीं और पानी कोई पीना नहीं। जब कीर्तन हो बीच में, कीर्तन में पानी पी लो, ठीक है ना। जब कीर्तन होगा पानी पी लो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। यदि ज्ञान वैराग्य को भक्ति भी अपना बच्चों को लेकर के आ गई। बोले भैया मेरे को भी तो कहीं स्थान दो। हेलो भैया, हाउ आर यू? बोले यहाँ पर जितने कथा सुन रहे हैं इनके हृदय में स्थान है। ये भक्ति देवी कौन? राधा रानी। इसका तात्पर्य है जो कथा सुनते हैं उनके हृदय में श्री राधा रानी की निवास हो जाता है। राधा रानी कौन? ये आनंद की स्वरूप है, भगवान की आनंद शक्ति। मतलब जो कथा सुनेगा हम कथा सुन रहे हो आनंद मिल रहा है ना दुख मिल रहा है? बोलो अभी नाच रहे थे आनंद मिल रहा है ना दुख मिल रहा है? मतलब जो कथा सुनते हैं इनके हृदय में श्री राधा रानी की निवास हो जाती है। और राधा रानी अगर किसके हृदय में बैठ के आनंद आती, इसलिए सबके सब एकदम भक्ति में
सराबोर सत्य सब हो गए। तब श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं बोले सर्वाणी तीर्थानि वसन्ति तत्र जथा तुतादर कथा प्रसंग। सब ध्यान से सुनना, जो कथा सुन रहे हैं अब क्या कर रहे हैं? ये पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं, अयोध्या मथुरा माया गंगा गोदावरी सरस्वती और केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री लक्ष्मण झूला राम सरोवर है, इसलिए जितने सारे तीर्थ हमें जो कथा रूपी गंगा में स्नान करते हैं, समझो बैठ बैठ करके अब सबके सब वही स्नान कर लिया, सबके सब वहीं पर आपने स्नान कर लिया है, इसलिए लेकिन उससे भी ज्यादा पुण्य है, क्योंकि अगर आप गंगा जमुना में स्नान कर दे लेकिन फिर क्या होगा, फिर दोबारा आकर के फिर पाप करना शुरू कर दोगे, लेकिन कथा पता वहीं बैठ जा पानी देने का जरूरत नहीं, इसलिए लेकिन एक कथा रूपी गंगा में अगर स्नान कर लिया ना ऊपर में तो सारे पाप चली जाएगी और अंदर से भी पवित्र हो जाओगे, अंदर से भी पवित्र हो जाओगे, इसलिए जो कथा रूपी गंगा में नहा लेता है समझो पृथ्वी का सारे तीर्थ में बैठ बैठ करके आपने स्नान कर लिया। तो भाई छोटी सी कथा सुनो, जैसे यहाँ पर कथा हो रही है ना, ध्यान करके सुनो, जैसे यहाँ कथा हो रही है वहीं ऐसे कथा हो रही थी, वहाँ पर एक संत बैठ कर कथा सुन रहे थे, बड़े भावुक थे, अभी ये कथा सुनते सुनते एकदम कथा रस में एकदम डूब गए, जब कथा की विश्राम हो गई सबके सब तो चल पड़े, लेकिन वो संत बैठे बैठ करके वहाँ कथा सुनते रहे। थोड़ी देरी बाद में देखा एक एक काला घोड़ा कहीं से भागते भागते आया और जहाँ पर ये कथा हो रही थी वहाँ पर लौट पौट भागने लग गया और देखते 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 एकदम काले से एकदम सोना बन गया। वो संत समझ गए ये कोई साधारण घोड़ा नहीं, तब उन्होंने पूछे भैया आप कौन हो, आप पहले काले थे और यहाँ लौट खाते खाते आपने तो तुम सोने बन गए, आप हो कौन, देखो कि क्या कहता है, बोले मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ, तीर्थराज में प्रयाग प्रयाग तीर्थराज ये यहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती और नदी, अभी इलाहाबाद में कुंभ मेला पड़ा था ना, कौन कौन गए थे, बहुत लोग गए थे, इसलिए कहते मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ, बोले मैंने देखा आप पहले काले पड़े हुए थे और लोट पोट खाते खाते सोने बने गए, इसका मतलब क्या, बोले सब पापी लोग आ करके प्रयाग में स्नान करके सारे पाप छोड़ जाते हैं, बोले फिर आप यहाँ लोट पोट क्यों खा रहे थे, बोले थोड़ी देर पहले यहाँ पर भागवत कथा हो रही थी ना, बोले हाँ, बोले जहाँ पर ये भागवत कथा हो वो स्थान अत्यंत पवित्र है, मैं घूमता फिरता रहता हूँ कहाँ पर ये भागवत कथा होती है और वहीं पर जाकर जब लौट पोट खाता हूँ मेरे शरीर का सारे पाप निकल जाते हैं, फिर दोबारा जाकर मैं पापियों को मुक्त करता हूँ। इसका मतलब है जो कथा रूपी गंगा में स्नान कर लिया ना, समझो पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ हमें अब बैठ बैठ करके स्नान कर लिया, सारे तीर्थ हमें उससे भी ज्यादा पुण्य कथा रूपी गंगा में वो स्नान करेंगे। इसलिए जब श्री चतुष्ट ने कथा सुनाई ये ज्ञान वैराग्य बड़े सुस्त होता है, इनकी हृदय बड़ा निरस होता है, लेकिन कथा रूपी गंगा में नहाए ना वो दोनों जवानी बुरे से जवानी हो गई, उनकी माता भी जवानी हो गई और तीनों को तीनों वहाँ पर नाचने लगे, वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बड़ी सुंदर नृत्य कर रहे थे, उद्धव जी भजन गा रहे थे, नारद जी कीर्तन कर रहे थे, कोई मृदंग कोई मयूरा कोई पखवज बजा रहे थे और सबके सब कीर्तन कर रहे थे, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय Yeah.
वहाँ पर सख्त गोलोक वृंदावन से श्री बांके बिहारी राधा रानी अपना सखा सखियों के साथ में अवतीर्ण हुई और वहाँ पर जितने लोग कथा सुन रहे थे, यहाँ तक भी जो पशु पक्षी कथा सुन रहे थे, सभी के लिए एक एक रथ आया। रथ में बैठे सबके सब ठाकुर के पास में चले गए। देखो आप लोग भी कथा सुन रहे हो, कथा के बाद में ना आपके लिए सभी के लिए एक एक रथ आएगी। अगर सचमुच से रथ आ गया, आप सब बैकुंठ जाओगे, गोलोक वृंदावन जाओगे, कौन कौन लोग गोलोक वृंदावन जाएगा? हाथ गड़ी के भक्त सब अच्छे हैं, गड़ी के भक्त ना सब अच्छे हैं, सब चाहते हैं हम ठाकुर को। लेकिन देखो सचमुच से रथ आ गया ना, फिर यहाँ सब भाग जाएगा। बोलेगा अभी मेरा बेटा की शादी नहीं हुई, बेटी अभी छोरी शादी नहीं हुई, अगर मैं चली जाऊंगी तो हमारे पति को कौन भोजन खिलाएगा? अगर सचमुच से रथ आ गया ना, यहाँ एक व्यक्ति दिखाई नहीं देगा, सब भाग जाएंगे यहाँ। बोले भैया हम तो अभी वैकुंठ अभी गोलोक वृंदावन हमें जाने वाले नहीं, बस कोई चिंता मत करो। देखो तब तक रथ नहीं आएगी जब तक हमारी आसक्ति संसार से खत्म नहीं होगी। तब श्री नारद जी प्रश्न करते हैं, अगर कोई प्रेत जन्म में पड़ा हुआ हो, किसी तरह से उसको मुक्ति नहीं मिल रही है, उसकी उद्धार होगी कि नहीं? बोले क्यों नहीं, जब भगवत कथा सुन करके जीव गोलोक वृंदावन श्री ठाकुर जी की चरण की प्राप्त हो जाती है, कथा सुन करके प्रेत की जन्म उद्धार नहीं होगी, जरूर उद्धार होगी। तो उन्होंने गोकर्ण और धुंधुकारी को उन्होंने कथा सुनाए, कैसे ये धुंधुकारी बहुत दुष्ट था। देखो उनका पिताजी का नाम था आत्मदेव और पत्नी का नाम थी धुंधुल। ध्यान देकर सुनो, इसी जगत में भी कभी कभी ऐसे होता है, पति तो बड़ा भक्ति, पति का बड़ा भजन पराए, लेकिन कभी कभी पत्नी का नाम थी धुंधुली। धुंधुली मतलब अज्ञान अंधकार। कभी कभी पत्नी ऐसे होती है ना जिनकी भक्ति भक्ति से कोई मतलब, लेकिन पति कभी बड़े आत्मदेव होते हैं, बड़ी भक्ति करने वाले। लेकिन कभी कभी पत्नी तो आत्मभक्ति होती है, बड़ी अच्छी भजन भक्ति में, लेकिन कभी कभी पति है ना धुंधुकारी होता है, पति कभी कभी बदमाश बनता है, जिनकी भक्ति भक्ति से कोई रुचि है नहीं। लेकिन अगर पति पत्नी अगर आत्मदेव आत्मभक्ति हो ना, समझो गाड़ी बढ़िया चलती है। अगर दोनों भजन करे, दोनों भक्ति करे, दोनों सत्संग में जाएंगे, दोनों तीर्थ में जाएंगे, दोनों भक्ति करेंगे बड़ी भाग्य से, ऐसे पति पत्नी दोनों भजन करने वाला मिलती है, ठाकुर की विशेष कृपा होनी चाहिए, दोनों एक साथ में भगवान की भजन करें। अभी इनके घर में सारे सुख था, धन दौलत पुत्र परिक्ष धन दौलत सब भरा हुआ था, लेकिन एक कमी थी घर में संतान नहीं। बोले क्यों नहीं, देखो ये चीज को ध्यान देखो, देखो घर में पत्नी बड़ी सुंदरी, पति अच्छे, पैसा की कोई कमी नहीं, हर चीज, लेकिन घर में संतान नहीं होने का नाते बड़े दुखी। बोले क्यों, बोला बड़ा कंजूस, एक पैसा भी कहीं धर्म कर्म में नहीं लगा। देखो ध्यान देखो, ये जो पैसा ये लक्ष्मी, पैसा कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी किसकी है? नारायण की। लक्ष्मी किसकी है? नारायण की। अगर वो लक्ष्मी नारायण की सेवा में नहीं लगेगी ना, वो कभी घर में सुख नहीं देगी। अगर लक्ष्मी को तुम भोग करना चाहोगे, हम थोड़ी लक्ष्मी को भोग कर सकते हैं, लक्ष्मी तो ठाकुर जी है ना, ठाकुर तो भोग कर सकते ना, हम भोग नहीं कर सकते। इसलिए नियम है घर में जो कुछ खाना बने बगैर प्याज लहसुन के बनाओ, ठाकुर जी को घर में जो लड्डू गोपाल पहले उनको भोग लगाओ, फिर क्या होगा, लक्ष्मी ठाकुर को सेवा में लगेगी, फिर घर में लक्ष्मी शांति सुख देगी। अगर जिस घर में ठाकुर को सेवा नहीं हो, ठाकुर की भक्ति नहीं हो, करोड़ों अरब खरब रुपया भले आ जाए, फिर घर में इतने दुख कष्ट ले आएगी, लड़ाई लड़ाई लगा देगी, जेल कोर्ट कचहरी लग चली आएगी, बड़ी बड़ी बीमारी लगा देगी, उसमें सारे पैसा चले जाए। क्यों, लक्ष्मी को तुम ठाकुर को सेवा में नहीं लगाते हो, भगवान की सेवा में नहीं लगाते हो, इसलिए ये बड़ी कंजूस था, एक पैसा भी कहीं भगवत सेवा में कहीं भक्ति में नहीं लगाता था, इसलिए घर में शांति सुख नहीं, घर में संतान नहीं। एक दिन दुखी होकर के गया उसने आत्महत्या करने के लिए,
जब भगवान इसको पर कृपा करते हैं ना, संत रूप में आते हैं। बोले बेटा क्यों रो रहे हो? बोले घर में संतान नहीं, सारे चीज लेकिन संतान नहीं। संत ने समझाया, देखो कोई बात नहीं, अगर संतान नहीं है तो ठाकुर जी को अपना संतान बना लो। देखो ध्यान देकर देखो, गोपाल जी को अपना बेटा बना लो। देखो आपको सही घटना सुनाता है। कोई एक माता जी थी, जिंदगी भर उसने गोपाल जी की पूजा की, जिंदगी भर, और लास्ट में उसने वृंदावन वास भी की, ठाकुर की सेवा करते हुए। लेकिन जब धीरे धीरे बूढ़ी हो गई, इनकी सेवा कौन करेगा? कृष्ण स्वयं करते थे। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जो जिंदगी भर गोपाल जी की सेवा, ठाकुर को सेवा करोगे ना, जब तुम ठाकुर को सेवा नहीं कर पाओगे, तेरे सेवा ठाकुर करेगा। क्योंकि उसने तुमने जिंदगी भर गोपाल की सेवा की, अभी तेरी सेवा कौन करेगी? उसको करना पड़ेगा। इसलिए वो माता जी के लिए कृष्ण मार्केटिंग करते थे, सब्जी लाते थे, पानी लाते थे, घर में कृष्ण पोछा लगाते थे, उसके लिए उसे ही कृष्ण बनाते थे भगवान है। इसलिए समझाए कोई बात नहीं, अगर भगवान ने बेटा नहीं दिया दुखी मत हो, भगवान कोई अपना बेटा मान लो। देखो तुमने चित्रकेतु का नाम सुने? सुना हो? बोले इनकी एक कौरव पत्नी थी, किसी पत्नी से बच्चा नहीं हुआ, और एक संतों की कृपा से बच्चा हुआ। जब बच्चा हुआ, जिस रानी से बच्ची हुई बच्चा, राजा वो रानी को ज्यादा प्रेम करने लग गया। अभी जो दूसरे दूसरे दौरानी थी, दूसरे दूसरे 100 दिन उनका गर्भ हो गई, लास्ट में वो बच्चे को 20 खिलाकर मार दिया। इतने राजा दुखी हुए। बोले तुमने सगर महाराज का नाम सुने? बोले हाँ। बोले उनके 10,000 बच्चे थे, तभी सुखी नहीं हुए, कपिल मुनि के अभिशाप से खत्म हो गए, बेटे से सुखी नहीं। देखो हम तो सारा दुनिया जाते हैं, बेटा नहीं होने पर एक दुख है, अगर बेटा नहीं तो एक दुख, लेकिन बेटा होकर अगर बात नहीं सुनता तो डबल दुख है, जिंदगी भर दुख हो। अगर बेटा अगर बात नहीं सुनता, कभी कभी कहते हैं ना ये पूर्व जन्म का कोई शत्रु बेटा बन गया है, कभी बोलते हैं ना। इसलिए संत ने समझाया कोई चिंता मत करो, बेटे नहीं तो ठाकुर को अपना बेटा मांगकर वो मानी नहीं, तो उन्होंने बोले 7 जन्म तक तेरा बेटा होने वाले नहीं, फिर तो चरण पकड़ लिए। जब आप ये बता सकते हो बेटा अब दे सकते हो, देखा ये तो मानेगा नहीं, तो उन्होंने एक फल बोलिए मंत्र को तो करके दे दिया। बोले ले पत्नी को खिला देना, बोले गीता भागवत पढ़ो, बड़े सुंदर संतान होगा। लेकिन पत्नी का नाम ही धुंधली, धुंधली मतलब अज्ञानी अंधकार है, हाँ अज्ञानी अंधकार है, वो कहाँ संतों के आदेश को पालन करेगा, वो पालन करेगा नहीं संतों के। इसलिए उसने बड़ी दुखी हो गई। उसकी सहेली ने बोले दुखी क्यों होती हो? दुखी मत हो, मेरे पति के पास में पैसा नहीं, तेरे पति के पास में ज्यादा पैसा है, कुछ पैसा दे दे और तुम ये फल को लेकर के गैया को खिला देगा, पर क्या कर लो और पेट में कपड़ा बांध करके सोते रहो, बेटा हुआ ना हल्ला मचा देना, मेरा जो बेटा होगा तेरे को मैं बेटा दे जाऊंगी हैं। बस उसने ऐसे ही कर दी, ऐसे ही कर दी। जो गैया कभी बच्चा नहीं दिया बांझ था, लेकिन संतों का फल तो कभी नष्ट होगा ही नहीं, वो गैया भी बड़ा सुंदर बच्चा जन्म दिया। सारा दुनिया बोले देखो भगवान जब देते नहीं जब देते हैं ठाकुर जी छप्पर फाड़ करके देते हैं। इनकी घर में संतान नहीं था, इसका भी संतान, घर में गैया भी संतान भी, बड़े सुखी हो गए। और पंडित तो खूब नाचे। जब बच्चे धीरे धीरे दोनों बड़े हुए, एक होता है नाम कर्म संस्कार, ध्यान देकर सुनो, ऐसे नहीं जो मनमानी टुल्लू बुल्लू टिक्की पिंकी बच्चे का नाम दे, ऐसे नाम नहीं देना। ज्योतिष को बुलाना, अक्षर निकालेंगे, वो अक्षर को पहले रख करके कोई भगवान नहीं तो किसी भक्तों का नाम बच्चों का रखो। हम आगे सुनेंगे अजामिल ने छोटा बेटा का नाम नारायण रख लिया था, नारायण बोलते बोलते बुढ़ापा, नारायण बोलते बोलते ही उधर हो गया, इतने भगवत नाम में शक्ति है। हाँ देखो आप लोग तो हिंदू लोग हैं, देखना जब बेटी की, जब बेटा बेटी की शादी होती है हम क्या करते, जन्म पत्र मिलाते हैं ना। क्यों जन्म पत्र मिलाते हैं? कौन सा नक्षत्र कब, कहते ना ये मांगली, ये ऐसे ऐसे बोलते ना, पता कैसे चलता है? वो समय से पता चलता है, हैं? अगर वो समय से देख करके अगर अपने नाम रखोगे, जब शादी करोगे फिर तो नाम मिलेगा। अगर बिना अपना मनमानी ढंग से नाम रखोगे ना,
शादी के समय में तेरे जन्म पति तुम्हारी नहीं मिलेगी, अगर ऐसे तैसे शादी कर दिया ना तो डाइवोर्स हो जाएगी, तो डाइवोर्स हो जाएगी फिर। इसलिए नियम है ऐसे तैसे नाम नहीं रखनी चाहिए। ब्राह्मण को बुलाओ, जन्म पत्र देख करके भक्त नहीं तो भगवान के नाम रखो। जैसे देखो बच्चों का नाम, अगर ठाकुर का नाम रखोगे ना, जितने बार तुम्हारी मुंह से ठाकुर के नाम निकलेगा तुम्हारी जीवा पवित्र हुआ। बच्चे का अगर कन्हा रख दिया, कृष्ण रख दिया, राम रख दिया, जितना बार जीवा से नाम निकला उतना बार कल्याण, बच्चा भी उतना बार नाम सुनेगा। और जिस घर में भगवान की नाम गुंजेगी कहते ना मंगल भवन अमंगलहारी। अब स्वयं देख लेना बच्चों का नाम, अगर भगवान का नाम बारंबार बोलोगे राधे राधे ललिता ललिता कृष्ण कृष्ण, क्या होगा घर में ठाकुर का नाम गुंजेगा, वो घर में कोई पाप ही नहीं रह सकता। इसलिए यहाँ पूछ लो जितने बड़े बूढ़ों का नाम को सबके सब भगवान का नाम है। लेकिन अभी अभी छोटे छोटे बच्चों का नाम पूछो, टुल्लू बुल्लू टिंकी पिंकी सब विदेशी कुत्तों का नाम सब पूछूंगा, नहीं कुत्तों का नाम नहीं रखना, ठाकुर का नाम रखना, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे बड़ा हुआ तो गोकर्ण तो बड़ा विद्वान बना और धुंधुकारी बड़ा दुष्ट बना, गांव में टहलका मचा दिया, किसी बच्चे को कुएं के सामने लेकर धक्का मार कर फेंक दे, किसी घर में आग लगा दे, शाम होते ही 15-20 शिकायत। अभी इसको ज्ञान आ गया, आत्मदेव को संत सही बोल रहे, संतान तो बड़ा दुष्ट बन गया, लगता नहीं ये पूर्व जन्म का कोई शत्रु मेरे घर में बच्चा लेकर के बच्चा रूप में जन्म, बड़ा दुखी हो गया। उसने गोकर्ण को पास में गया, गोकर्ण बड़ी ज्ञान की बात बताई, तो उन्होंने उनकी ज्ञान की बात सुन करके प्रभु की भजन में लग पड़े, उदार हो गया। घर में मैया को खूब पीटे, बताओ पिताजी कहाँ पैसा रखे। मैया दुखी होकर के कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या की। उसने 6-6 विश्वाम को बुलाए, कोई बोले कपड़ा दो, कोई बोले गहना दो, कोई बोले लिपस्टिक दो। अभी उसने राज दरबार में डाका, बहुत पैसा को लूट करके लाए। बेस्याव ने सोचा सवेरे होते ही सीआईट लग जाएंगे, अगर पकड़े गए तो सब चल जाएंगे। राता रात गले में फांस लगाया उसकी ग्रोसी की, दो हाथ दो पैर बड़े जोर से रस्सी को खींचे मारने के लिए, लेकिन मरा नहीं। फिर जलते हुए अंधार को ठोस ठोस कर उसको मारी और घर में काट करके चली गई और उसने प्रेत बन गया। जब गोकर्ण आया देखा प्रेत बन करके बैठा हुआ, बोले तेरे नाम पर गया मैं पिंड दी, तेरे को उधार नहीं हुआ। बोले भैया मैंने इतने पाप किया, 100 बार में पिंडों को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन जब सूर्य देवता को प्रश्न की, बोले इनकी भागवत कथा सुनाओ, इनकी जरूर मुक्ति मिल जाएगी। सचमुच से उन्होंने भागवत कथा सुनाया तो 7 दिन में 7 गांठ फट गई। मतलब संसार में जन्म लो 7 तरह का बंधन है, कथा को बाद में सारे बंधन खत्म हो गई। वैकुंठ से रथ आया, रथ में बैठी करके सीधा ठाकुर के पास मिल गया। देखो ध्यान देख रहे सुनो, ये भागवत कथा में इतने शक्ति है। गैया में ना एक बार भगवान की वरदान है, पितरु को मरने के बाद गैया में पिंड देने जाते हैं, भगवान का वरदान है जो एक बार पिंड देगा उसको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ये इतना बड़ा पापी था, बोले 100 बार भी पिंड दो मुक्ति नहीं होगी। लेकिन मुक्ति कैसे हुई, भागवत कथा से। मतलब क्या, अगर केवल आप आओ और कुछ मत करो, केवल यहाँ बैठो और एक मन से भगवान की कथा सुनो, जरूर हमें भी जब प्रेत को भगवत गति प्राप्त हुई हम तो जिंदे हैं। देखो इधर सुनो, कभी कभी पितर दोष होता है, अब सुने कि नहीं पितर दोष। अगर पितर दोष हो ना, घर में जितने रुपया पैसा धन दौलत रहे शांति नहीं मिलती है, भले ही घर में जो कि पितर दोष का कारण होता है। लेकिन ये भागवत कथा में इतने शक्ति, अगर पितरों को अगर ये भागवत कथा सुनाओ वो निश्चित रूप में सारे दुख कष्ट से मुक्त होकर के भगवत गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए अगर आप लोगों का कोई पितर लोग हो जिनकी उधार नहीं हो रही, अगर उनकी फटो अगर भागवत कथा को सामने रख लोगे ना, भागवत कथा में उनको उधार हो जाता है, उनको सदगति मिली जाती है। लेकिन जब सबके जब गए, इतने में गोकर्ण ने प्रश्न किया, बोले भैया यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, फिर इनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई।
एक व्यक्ति को मुक्ति क्यों मिली? बोले देखो, कथा जैसे सुननी चाहिए केवल एक व्यक्ति मन से सुना, लेकिन और कोई व्यक्ति मन से नहीं सुना। बोले यहाँ पर बैठे हैं, बोले बैठने पर ही थोड़ी हो जाएगा, बोले फिर क्या करना पड़ेगा? देखो सुन लो, कैसे कथा सुननी चाहिए। बोले पहला नंबर है विश्वास गुरु वाक्य सो। पहला नंबर तो विश्वास। अगर तुम अगर सोच रहे हो अरे भूत पिशाच किसने देखा, सब झूठ मूठ का बात। ये पंडित लोग तो पेट पालने के लिए इसको झूठ मूठ को बना दिया। अगर ये विश्वास नहीं होना फिर ये कथा अपने फल नहीं देगी, बैठने पर भी फल नहीं मिलेगी। पहला नंबर तुम्हारी पूर्ण विश्वास है। दूसरा नंबर बोले स्वस्मिन दिनत्व भाव, कथा कैसे सुननी चाहिए? अभिमान से नहीं, तीन हीन होकर कथा सुननी चाहिए। तीसरा नंबर कैसे? बोले मन, अगर शरीर ही यहाँ पर, अगर मन तुम्हारी घर में है, पता नहीं बच्चा क्या कर रहा है, पता नहीं बहू अभी क्या कर रही है घर में, हैं मलाई तो खा नहीं रही है। अगर यहाँ पर शरीर से बैठे हो, अगर मन अगर और कहीं पर है, फिर कथा कैसे सुनोगे? इसलिए कहते कथा सुनने के लिए पहले मन को पहले यहाँ पर लगा कर रखा, क्योंकि कथा तो मन से सुनते हैं ना, इसलिए मन से सुननी चाहिए कथा को। इसलिए कहते हैं अगर दृढ़ विश्वास मन को लगा करके तीन हीन होकर कथा सुनोगे, ये कथा जरूर तुम्हें भगवत प्राप्ति कथा कराएगी। फिर श्री गोकर्ण ने कहा देखा सुन लिया, हम लोगों ने कथा सुनी लेकिन फल नहीं मिला, क्यों? दृढ़ श्रद्धा विश्वास और श्री तीन हीन एक मन से कथा नहीं सुनी। देखो कल से मैं फिर दोबारा कथा सुनाऊंगा, आप लोग हाँ आप लोग ध्यान देते सुनो, फिर दो बार कथा सुनाऊंगा आप लोग, केवल 7 दिन, ज्यादा दिन नहीं। अगर एक मन से कथा सुनेंगे ना, एक में तो संसार का सारी इच्छा पूरी होगी, भगवत प्रेम मिलेगा, भगवत धाम मिलेगा हमें, और सारे दुख कष्ट से हमें मुक्ति मिलेगी। कल फिर दो बार कथा सुनाऊंगा। देखो कथा कैसे सुननी चाहिए? हनुमान जैसे। कैसे सुननी चाहिए? हनुमान। हनुमान मतलब कहीं भी कथा हो देखना, सबसे पहले हनुमान की तस्वीर लगी, क्यों? बोले जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम, श्री वाल्मीकि कहते हैं कहीं भी प्रभु की कथा हो सबसे पहले हनुमान आएंगे। कहाँ बैठेंगे? पीछे बैठेंगे। कैसे बैठेंगे? हाथ जोड़ करके। सुनेंगे कैसे? एक मन से गदगद हो करके, उनकी रोमांच होता, आंखों से आंसू बहाते हुए, हाथ जोड़ करके। और कैसे कथा सुनते हैं? देखो कथा सुनते समय अज्ञानी बन करके, ज्ञानी बन करके नहीं, अरे हम सब जानते हैं, अरे सुनी सुनाई कथा को कितने सुनेंगे, नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा जई सुनत अघाई, रस विशेष जानत तेरी नाही। जो भगवान की कथा सुनते सुनते बोले अरे बोर हो गया कथा सुनते सुनते। आप लोग घर में रोटी खाते हो? कौन कौन रोटी खाते हो? लेकिन अगर एक दिन ही रोटी नहीं मिले ना, हाय रोटी, दिन भर रोटी का मुंह हमने नहीं देखी। भैया रोटी में अगर इतना रस हो सकता है, पर भगवान की कथा में कितने रस नहीं होगा। इसलिए कथा हनुमान कैसे सुनते? अज्ञानी, मतलब मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, हैं? क्योंकि भगवान की कथा जितने सुना उतना ही आनंद, उतना ही रस मिलता है। क्यों? भगवान रस वही सब, भगवान रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अज्ञानी होकर कथा सुननी चाहिए, ठीक है ना? ऐसे नहीं कथा जब खत्म होने जाए, बीच में आए, लास्ट में आए, नहीं, कथा पहले से। आप सिनेमा देखने के लिए जाते हो, कब जाते हो सिनेमा देखने के लिए? कथा पहले जाते हैं ना, बीच में लास्ट में थोड़ी जाते हैं, पहले जाते हो, लाइन में खड़े हो गए, अगर टिकट नहीं मिलेगा ना ब्लॉक में ज्यादा पैसा देकर टिकट खरीद करके, और जिसमें झूठ मूठ सिनेमा क्या झूठा चीज है, अगर झूठे चीज को 3-3 घंटा देख सकते हैं फिर पैसा देकर। और यहाँ पर तो भगवान की कथा है जिसमें आनंद है, जिसमें रस है, और सारी इच्छा पूरी होगी। इतना नहीं फिर कथा के बाद में फिर कथा प्रसाद, फिर महाप्रसाद, कथा प्रसाद फिर महाप्रसाद, दोनों प्रसाद मिलेगा, ठीक है ना? और रोज रोज हमको सुना रहे, कभी मटर पनीर बनेगा, कभी कभी कढ़ी चावल राजमा पूरी, हैं? रोज रोज बढ़िया बढ़िया प्रसाद की व्यवस्था। इसलिए देखो जितने माताएं हैं, क्या करना, अकेले नहीं आना। मेरे बड़े गुरु जी कहते थे, हमारे बड़े गुरु जी कहते थे
जब कथा सुनने के लिए आओ ना, दस दस व्यक्तियों को एक एक भक्त लेकर जाना, दस दस। बोले क्यों? कहते आप जिसको कथा सुनाने के लिए ले आओगे उसको जो पुण्य मिलेगी उसका आधा पुण्य जो लाने वाला मिलेगा। गुरु जी कहते थे अगर किसको गंदे काम में ले जाओगे पाप लगेगा, अगर किसको अच्छे काम में ले जाओगे तो पुण्य लगेगा। गुरु जी कहते थे। इसलिए कल अपना पति बच्चे सबको लेकर के आ रहा और यहाँ कथा सुनोगे प्रसाद भी मिलेगा। देखो माताओं का सबसे बड़ी चिंता है घर में भोजन कौन बनाएगा, है ना, भूखे ना भजन होएगा वाला। यहाँ पर तो प्रसाद मिलेगा कथा भी मिलेगी, इसलिए पूरा परिवार को लेकर के आओ और यहाँ पर कथा सुना। हरि बोल, यहाँ मनोज प्रभु जी है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मनोज यहाँ है, चाचा जी है, नहीं तो विनोद की है क्या? नहीं, हरे कृष्णा है कि नहीं? कोई तीनों में कोई है? तीनों में कोई भी नहीं यहाँ पर? इधर आ जाओ। हाँ देखो कथा को हम आज यहीं विश्राम देते हैं, अभी आप लोगों को प्रसाद मिलेगा। पापा बोले पापा। हरे कृष्णा। देखो आज जो प्रसाद की व्यवस्था है आपको जयवीर ये दोनों ने ये आपको कहा है दोनों को, हाँ दोनों को बुला दे। आज इन लोग ने आप लोग तो कुछ कुछ हर गांव वाले कुछ ना कुछ आप लोग ने डोनेशन दिया है, लेकिन उसमें भी हमारे अप्पू और जय बिंदर आ जाओ। ये दोनों ने कुछ उन्होंने प्रसाद के लिए भी कुछ मदद किया। आप इन दोनों के लिए जोरदार ताली बजाओ, जोर से ताली बजाओ। ठाकुर जी इन्हीं को और इनके परिवार को शांति सुख दे, घर में खूब फलते फूलते रहे। देखो भागवत की कथा में अगर एक अन्न का दाना कोई दे देता है ना, ठाकुर कहते हैं किसी जीवन में कभी अन्न वस्त्र की कभी कमी नहीं पड़ेगा। हाँ भगवान की वरदान है। इसलिए अभी प्रभु जी इधर आ जाओ, प्रभु इधर आ जाओ। जयवीर कौन अपूर्व कहाँ है? इधर आओ, कौन जिसका नाम ले रहा हो इधर आ जाओ, शर्म क्यों करते हो? इधर इसको घर में रखना, ठीक है? मड़वा इधर भैया इधर आ जाओ। प्लस वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। इसको अपना घर में माला क्यों उतार रहे हो? शर्म लग रहा है। हरि कृष्ण, हाँ हरि बोल। ठीक फटाफट में ये प्रभु जी एक सुंदर भजन गाएंगे। देखो अगर कोई अगर प्रसाद में कोई देना चाहता है ना, अगर पांच छह भी मिल करके थोड़ी थोड़ी दोगे तभी भगवान की सेवा में आपकी लग जाएगा, ठीक है? सबके सब खड़े हो जाओ और अभी प्रभु जी एक सुंदर भजन गाएंगे। हाँ एक आना सुनो, बोलो क्या? हाँ देखो एक अनाउंसमेंट है। जैसे आप लोग आते हैं ना, जैसे कोई महंगी जैसे सोने का कोई चैन पहन पहन कर बताओ, ठीक है ना? पिछली बार किसकी चेन कट गई थी, आप लोग सोने की कोई महंगी चेन पहन करके बताना, ठीक है? गले में तुलसी कंठी पहन करके आना, इसको कोई चोरी नहीं करेगा, ठीक है? कोई सोने की अगर चेन पहनते हो अपना दायित्व अपना लेकर के आना, ठीक है? आरती के लिए तैयारी करो, प्रभु जी के भजन गाएंगे उसके बाद आरती करना, ठीक है? अरे मैं करूंगा, मैं बनाऊंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा। अरे आएगी शिमगा भूखा लगन में मोहन नीर गगन का तारा है, भूखा लगन में मोहन नीर गगन का तारा है, भूखा लगन में मोहन नीर गगन का तारा है, भूखा लगन में मोहन नीर गगन का तारा है, भूखा लगन में मोहन नीर गगन का तारा है, भूखा लगन में मोहन नीर गगन का तारा है, भूखा लगन में मोहन नीर गगन का तारा है, भूखा लगन में मोहन नीर गगन का तारा है, भूखा लगन में मोहन नीर गगन का तारा है, भूखा लगन में मोहन नीर गगन का तारा है, I'm not afraid of the dark.
गोपियां तो बंद रही है और पीछे सब ऐसे देख रहे हैं जैसे सो गए। अब देखो ये प्रभु जी, इसलिए ये भजन मैंने कहा ना, ये गुजरियों का एकदम बढ़िया भजन है, सबसे उनकी प्यारा भजन है। मैंने कहा यह सबके सब गुजरी है, अगर ये भजन गाओगे ना सब गुजरी नाचेगी, लेकिन लगता है दो चार गुजरी और कोई गुजरी है। इसलिए सभी लोग ऊपर हाथ उठाए, के ऊपर हाथ उठाए, क्या बोलना है? राधे राधे। आवाज बहुत कम आ रही है, ऐसे लग रहा है कि मोरनी रो रही है। इसलिए सभी लोग हाथ उठाएंगे, प्रेम से हाथ उठाकर बोल रहे हैं, राधे नाम की धुनी लगाना है प्यार से। सभी लोग ताली बजाकर जाएंगे प्यार से, बोलो Yeah.